अगली खबर में बात करते हैं शिवपुरी की, जहां शहर के वार्ड क्रमांक के 38 में एक सफाईकर्मी महिला की ईमानदारी की चर्चा हो रही है। दरअसल महिला सफाईकर्मी को एक पर्स में सोने की चैन और कुछ पैसे कचड़े के ढेर में मिले, जिन्हें महिला सफाईकर्मी ने असल हकदार की तलाश कर उन्हें सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 38 कान्हा कुंज के रहने वाले विकास व्यास के घर गमी हो गई थी। इसकी साफ सफाई में घर में रखी एक सोने की चैन सहित कुछ पैसों से भरा एक छोटा पर्स भी कचरा समझ कर फेंक दिया था। हर रोज की तरह महिला सफाई कर्मी बबीता ने अन्य घरों के साथ साथ विकास व्यास के घर का कचरा एकत्रित कर लिया था। इसी कचरे के ढेर में बबीता को एक छोटा पर्स दिखाई दिया। बबीता ने जब पर्स को खोल कर देखा तो उसमें पैसे सहित एक सोने की चैन रखी हुई थी। बबीता ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए उन सभी घरों में जाकर पूछताछ की जहां से वह कचरा लेकर आई थी। अनंतर बबीता को पड़ताल में पता लग गया कि उक्त पर्स विकास व्यास का था। बबीता ने सोने की चैन सहित पैसों से भरा पर्स विकास व्यास के सुपुर्द कर दिया। महिला सफाईकर्मी बबीता की ईमानदारी को देखते हुए वार्डवासियों ने बबीता की ईमानदारी की सराहना की। इसके अतिरिक्त वार्ड क्रमांक 38 के पार्षद वेदांत सविता ने बबीता बाई का सॉल श्रीफल देकर सम्मान भी किया। के घर पर वो गमी हो गई थी, वो कहीं गए थे तो वो गीले मिले कपड़न में आ गया था, उनने फेंक दिया था कचरे में, उन्हें भी पता नहीं था। वो किस्मत की बात जचरे के कोई कबाड़ी नहीं पहुंच पाया। निवास वार्ड में एक महिला निवास करती है, उन्होंने कचरा के साथ सोने की जेवर की भरी थैली कचरा गाड़ी में गलती से चली गई थी, जिसके बाद जब उस भाई को घटना के बारे में पता पड़ा, भाई ने जब पन्नी देखी थैली देखी तो उन्होंने वापस आके घर निवासी को लौटा दी, जिसकी जानकारी मुझे लगी तो मैंने भी कहा कि भैया ऐसे कर्मचारी जब नगर पालिका में है तो हमें भी गर्व का विषय है कि ऐसे